अगवा जो पहन के आए थे जय श्री राम के नारे तो लगाए, लेकिन उन बच्चों ने एक ने भी उसके साथ कोई अभद्रता नहीं की। तो मुस्कान बहन ने उनको हमारे सामने लाने का प्रयास किया कि कितने अच्छे बच्चे थे, मैं उनके सामने भी सुरक्षित थी। हिजाब पहनने वाली जी प्रधानमंत्री बनेगी, अब सामने वाला कहने लग जाए भगवा वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहूँगी हिजाब से नहीं या बुरके से नहीं, किसी लड़की को प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है ये उसके विचार तय करेंगे। तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून एक जैसा होगा। तो मैं ओवैसी जी से कहूंगी हमारा देश शरिया से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। शरिया से चलाने के लिए आपको 1947 में पाकिस्तान दिया था, अगर शरिया चाहिए तो आप उधर जा सकते हैं। तो ओवैसी जी से कहना चाहूंगी कि आर्टिकल 44 के लिए आप संघर्ष कीजिए। हिजाब तो प्रोग्रेसिव होने की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है, तो फिर घूंघट प्रथा को लेकर भी कहना चाहिए कि वो भी स्वतंत्र होने की निशानी है। ये दोगलापन क्यों? घूंघट प्रथा बुरी है लेकिन हिजाब प्रथा ठीक है। पुरुषों की नजर गंदी है इसलिए हम लोग इस तरह को पहनते हैं। जब पुरुषों की नजर गंदी है तो उनको दो दो पहनाओ, आप क्यों पहनती हो? झंडा बुलंद करो कि हमारी बेटियों को अत्याचार में न रखा जाए, जिनकी नजर गंदी है उनको पहनाया जाए। आप लोग भी साथ दीजिए, हम भी सब साथ देते हैं, सब लोग मिलकर के देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराते हैं जिससे ये सारा झंझट ही खत्म हो जाए। देश धार्मिक मान्यताओं से नहीं संविधान से चलेगा। क्या ये अच्छा लगेगा को कोई लड़की हिजाब पहन करके एक नेतृत्व कर रही है, एक जो है संवैधानिक हेड पे ये मुखिया के रूप से, तो क्या ये उसको काम करने में जो वो असुविधा नहीं होगी? मैं कहूँगी हिजाब से नहीं या बुरके से नहीं, किसी लड़की को प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है ये उसके विचार तय करेंगे। हमारे लिए विचारों की प्रधानता होनी चाहिए, ना कि उसके पहनावे पे। हमेशा जो बहुत सारे नारीवादी झंडा बुलंद करते हैं, नारी क्या पहनेगी ये आप तय नहीं करेंगे, वो लड़की क्या पहनेगी ये पुरुष डिसाइड करेंगे, नहीं करेंगे। वो लड़की स्वयं डिसाइड करेगी मुझे क्या पहनना है, ये आप क्यों बता रहे हैं? हिजाब पहनने वाली जी प्रधानमंत्री बनेगी, अब सामने वाला कहने लग जाए भगवा वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसका मतलब युद्ध ही चाहते हैं आप। केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा शिक्षा की बात करना नहीं चाहते, विद्यालय की बात करना नहीं चाह रहे आप, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे। इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है हिंदू मुस्लिम करते रहो, अपनी रोटी सिकती रहेगी। तो मैं ऐसे नेताओं से भी कहना चाहूंगी कि देश सर्वप्रथम होना चाहिए, और हमारे लिए जब देश अनिवार्य होगा, देश सर्वप्रथम होगा। और मैंने फिर एक ही बात दोहराऊंगी कि आपके विचारों से तय होगा कि आप राष्ट्रपति बनेंगे या आप नहीं बनेंगे। कोई भी लड़की केवल पहनावे से उसका दिखावा नहीं होता, उसका उसके विचार कैसे हैं उससे वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की दिशा तय करेगी। आप उसके पहनावे से बता रहे हैं, उकसा रहे हैं, 5 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, फलान, आप बोली लगा रहे हैं बेटी की, वो बोली बिकने लायक, बेटी को बेचिए मत, बेटी को व्यापार मत बनाइए। वो बेटी सामान्य रूप से पढ़ने आई, उसने एक मांग की, जब कॉलेज ने कह दिया कि हम इसको नहीं अनिवार्य कर सकते, क्योंकि आप ये बताइए कल को सामने वाले लड़के कहेंगे जी हम तो सनातनी हैं, हम तो भगवा गमछा और धोती कुर्ता पहन के और तिलक लगा के आएंगे लंबा सा। नागा बाबू, नागा साधु जो छोटे छोटे भी होते हैं उम्र में, कई बार वो लोग कहेंगे जी हम भी विद्यालय जाना चाहते हैं। दिगंबर जैन मुनि कहेंगे जी हम भी विद्यालय आना चाहते हैं। या तो उनको भी अनुमति दी जाए और या इनको भी प्रतिबंधित किया जाए। तो हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। अगर हिजाब की अनुमति होगी तो फिर आप तैयार रहना कि सामने वाला भी भगवा गमछा धोती कुर्ते में तिलक लगा करके आएगा तो आपको नागा बाबा भी आएंगे, दिगंबर जैन मुनि भी आएंगे, आपको उन सबको भी विद्यालय में प्रवेश देना पड़ेगा, वरना कल को वो भी कोर्ट जाएंगे क्योंकि उनका भी तो मौलिक अधिकार है। तो ऐसे हमारे देश में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी, कल को फिर कहेंगे जी सेना में भी हम तो मांग करते हैं। तो आप ये किस तरह का इस्लामिक देश है जो उनमें भी ये सब बैन है? तो जब इस्लामिक देश में बैन है, जब वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, कई देश हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए हुए हैं, फ्रांस जैसे देश जिन्होंने अपने देश के लिए एक कानून बनाया, एक देश एक कानून, आज भी कई देश हैं जहाँ पे एक देश एक कानून चल रहा है, तो हमारे देश में भी एक देश एक कानून होना चाहिए। एक देश और अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए, इससे केवल टकराव पैदा होता है और कभी भी समाज आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, अपितु अपने को पीछे ले जा रहे हैं जी हम तो ये पहनते थे जी हम भी पहनेंगे। तो इन सब से केवल टकराव होता है, इन सब से कुछ भी उत्पन्न होने वाला नहीं है, कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। तो आईसी जी जिस तरह से कोर्ट का भी कहना है कि अब हम इस पर कोई बहस नहीं करेंगे, दूसरी तरफ जो है असदुद्दीन ओवैसी एक कोर्ट के हवाला देते हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमारा जो संविधान, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा पहनावा है वो शरीयत से चलेगा, ये उसमें आयत में लिखा हुआ है, तो उसको किस तरह से? तो मैं ओवैसी जी से कहूंगी कि जब सबरीमाला केस हुआ था, आप सभी जानते हैं जब सबरीमाला प्रकरण पे चर्चा हो रही थी तो कोर्ट ने कहा था कि देश धार्मिक मान्यताओं से नहीं संविधान से चलेगा। तो इस मुद्दे पे मैं कहना चाहूंगी कि हमारा देश शरिया से नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा। शरिया से चलाने के लिए आपको 1947 में पाकिस्तान दिया था, अगर शरिया चाहिए तो आप उधर जा सकते हैं,
क्योंकि 1947 में बंटवारा ही हमने इसलिए किया था कि शरिया चाहिए तो उधर चले जाइए, है ना। आप भाई अगर भाई भाई नहीं हो पा रहे थे, कुछ समस्या हो रही थी तो बंटवारा कर दिया भाई, आप अपनी मान्यताओं को, व्यक्तिगत मान्यताओं को अगर आप चाहते हैं वहाँ पर लागू कर दीजिए, तो आपको अलग देश दे दिया था। अलग देश के आधार इसीलिए ये इसी आधार पर बंटवारा हुआ था। और आज देश संविधान से चलेगा, जैसे सबरीमाला प्रकरण में कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि देश धार्मिक मान्यताओं से नहीं चलेगा, हमारा देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो मैं अब भी कहना चाहूँगी कि आपके व्यक्तिगत कानून से, पर्सनल बोर्ड से हमारा देश नहीं चलेगा, हमारा देश संविधान से चलेगा, चाहे आप माने या ना माने। और एक बात और कहना चाहूंगी कि हर बार अपना अपनी मांग भी चाहिए, अपनी मान्यता भी चाहिए, और आप हर बार संविधान की बात करते हैं। संविधान की आड़ में यह खेल खेलना बंद कीजिए, या तो अपनी मान्यताओं पर टिके रहिए या संविधान को मानिए। अगर संविधान को मानते हैं ओवैसी जी, मैं आपसे बस एक निवेदन करूंगी कि आप संविधान को मानते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में आदेश दिया था, 1995 में सरकार को आदेश दिया था भारत सरकार को कि आर्टिकल 44 लागू किया जाए, तो ओवैसी जी से कहना चाहूंगी कि आर्टिकल 44 के लिए आप संघर्ष कीजिए, और ओवैसी जी आप आगे बढ़ो, आर्टिकल 44 के लिए हम आपके साथ हैं। तो जिस तरह से तालिबान में अफगानिस्तान में जिस इस तरह कट्टरपंथी है, और मलाला यूसुफजई का जिस तरह से सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है, तो उन्होंने भी तो यही बात उठाई थी कि ये पर्दा प्रथा, ये नकाबपोशी, इससे हट करके व्यक्ति को जो है स्कूल में जो है कॉलेज में जो है वो अपने अधिकार की बात करी थी, ये लोग क्यों नहीं समझते हैं? देखिए ये तो हमको स्पष्ट ही हो रहा है कि किस तरह से चलाएंगे। आज अलग अलग मांगे जो उठाई जा रही हैं उससे हमको स्पष्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हमारी हर बार हम किताबों में जब पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते होंगे उनको पता भी होगा कि हमारे देश में पढ़ाया जाता है कि घूंघट प्रथा एक गलत प्रथा थी जिसका जिस पर रोक लग गई। और घूंघट प्रथा पूरे ये नहीं कहा जाता सनातनी महिलाओं के लिए, घूंघट प्रथा कुछ क्षेत्र में थी, कई जगह पर्दा होता है कई जगह नहीं होता, आज भी कई जगह पर्दा हो रहा है, कई घर नहीं करवाते, नहीं जी पर्दा नहीं होना चाहिए, ये भी बेटी जैसी है। वो तो अलग अलग व्यक्ति की विचारधारा पर डिपेंड करता है, उसको हम धर्म के नाम पर नहीं थोपते, है ना, उसको धर्म के नाम पर तो नहीं थोप रहे हैं। और हम जो लोग कहते हैं कि घूंघट प्रथा तो बहुत खराब थी, नहीं होनी चाहिए, वही लोग इसको, इस प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। हिजाब तो प्रोग्रेसिव होने की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है, कट्टरता की निशानी नहीं है, महिला की स्वतंत्रता की निशानी है, तो फिर घूंघट प्रथा को लेके भी कहना चाहिए कि वो भी स्वतंत्र होने की निशानी है। ये दोगलापन क्यों? घूंघट प्रथा बुरी है लेकिन हिजाब प्रथा ठीक है, तो इसका मतलब आपके अंदर दोगलापन है। ये दोगलापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। सदैव मैं ये कहना चाहती हूँ कि विचारों में स्पष्टता हो। एक को आप कह रहे हैं ये तो पिछड़ी सोच का नतीजा है और ये तो पुराने जमाने में महिलाएं करती थी, तो आज फिर आप बेटियों पे हिजाब थोप रहे हैं, तो बेटियां पर्दा करेंगी या नहीं करेंगी? मैं भी कहीं गई तो एक ने कहा पुरुषों की नज़र गंदी है इसलिए हम लोग इस तरह को पहनते हैं। मैं पुस्तक मेले में गई थी, वहाँ पर मुझे एक महिला ने कहा, तो मैंने कहा जब पुरुषों की नज़र गंदी है तो उनको दो दो पहनाओ, आप क्यों पहनती हो भाई? जिसकी नज़र गंदी आप बता रहे हो, जिसके कारण आप पहन रहे हो, उसको पहनाओ ना, हम क्यों पहने? बेट मैं तो इन नारीवादी से भी कहना चाहूँगी, झंडा बुलंद करो कि हमारी बेटियों को अत्याचार में ना रखा जाए, जिनकी नज़र गंदी है उनको पहनाया जाए। तो इस तरह की मांगे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होंगी। छोटी छोटी मांग कल को फिर अलग मजहब, देखो आगे आने वाले समय में वो कहेंगे जी नमाज करने के लिए हमको स्कूल में कमरा चाहिए, सनातनी बच्चा कहेगा हमको यज्ञ संध्या हवन करने के लिए कमरा चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कमरा चाहिए। कल को और लोग ईसाई लोग कहेंगे हमको अपनी प्रार्थना करने के लिए कमरा चाहिए, पारसी कहेंगे हमको अपनी प्रार्थना करने के लिए कमरा चाहिए। तो ऐसे स्कूल में कुछ कहेंगे शुक्रवार की छुट्टी चाहिए, कुछ कहेंगे जी हमारी सोमवार की छुट्टी करो, कुछ कहेंगे जी मंगलवार की छुट्टी करो, हनुमान जी का दिन है। तो ऐसे करके हमारे देश में एक बंटवारा इतना गहराई हो जाएगी, खाई ऐसी पैदा हो जाएगी कि समाज कभी भी जुड़ नहीं पाएगा। जो वेद का आदेश है ना कि सब मिलकर चलो, संग छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम, हमारे देश में वो कभी नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ तो जब हम विद्या अध्ययन प्रारंभ करते थे, जब हम शिक्षा प्रारंभ करते थे, तो मंत्रों का उच्चारण के साथ करते थे, मंत्र में इसमें तो कोई सांप्रदायिकता नहीं है भाई, आप मंत्रों के साथ करें। हमको सद्बुद्धि की प्रार्थना करना या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, हम जब प्रार्थना कर रहे हैं विद्या की, अच्छी बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल हम हर चीज में, हर चीज़ को एक धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं, एक मजहबी चश्मे से देख रहे हैं, एक अलगाव की स्थिति, और लोगों को ये बताना चाहते हैं फलानी सरकार तो फांसीवादी है, हिटलरवादी सोच की है। तो ये केवल अपनी सत्ता बनाने बचाने के लिए, रोटी सेकने के लिए हम छोटे छोटे बच्चों का, लड़कियों का उपयोग कर रहे हैं। हमने लड़कियों को आगे कर दिया भाई तुम लड़ो, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप छोटी छोटी बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को लड़ना सिखाइए ना। जब उस बच्ची को सर्च करते हैं कि किस संगठन से जुड़ी है, तो समझ में आता है ये मांग क्यों उठाई गई। सुशांत सिन्हा जी ने बहुत स्पष्ट समझाया कि कैसे कैसे ये मांग उठाई गई, 9 दिसंबर से इस पे कार्रवाई चल रही थी, प्रिंसिपल से मिले थे, तो पूरे स्कूल में। और मैं कहूँगी कि आप लोग भी साथ दीजिए, हम भी सब साथ देते हैं, सब लोग मिलकर के देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराते हैं, जिससे ये सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा।
कोर्ट ने भी कहा कि इसका राष्ट्रीयकरण न करें ये मजहबी तरीके से और राजनीतिकरण भी न करें इसका, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। तो उसमें क्या कहें? देखिए छोटे बच्चे, बिल्कुल कोर्ट की बात से मैं सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट तो शुरू से कह रहा है, ये कह रहे हैं ना कोर्ट जाओ, मैं भी कहती हूँ कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट शुरू से कह रहा है कि आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो जिससे एक देश एक कानून रहेगा। आर्टिकल 44 को लागू करो, क्यों नहीं करते? कोर्ट की बात मानेंगे, कोर्ट की बात मानेंगे, कोर्ट की बात मानेंगे। छोटे छोटे बच्चों को अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको हमने इतनी बड़ी गहरी खाई बना दे रहे जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में कि वो पटेगी नहीं जल्दी से, आसानी से वो अब खत्म नहीं हो सकती। आप और दूसरी बात, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, वो भगवा पहन के, उन्होंने कहा मैं हिजाब पहन के आऊंगी, आप पांच ही लड़कियां हिजाब पहन के आए, सामने वाले गमछा पहन के आए, एक भगवा गमछा पहन के आए, वो भी तो बच्चे ही थे, दोनों बच्चे हैं। अगर आप कहते हो वो इनोसेंट है, वो बड़ी क्यूट सी गर्ल है, वो तो बड़ी प्यारी है, उनको तो बिल्कुल गलत होना ही नहीं चाहिए, वो तो बड़ी क्यूट है और उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो मेरे को समझ में नहीं आता सामने वाले जो सनातनी बच्चे थे वो भगवा गमछा पहन के आए, उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया, तो दोनों बराबर है। एक ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, एक ने जय श्री राम बोला, एक ने हिजाब पहना बुरका पहन के आई, एक ने भगवा गमछा डाल लिया। मुझे समझ में नहीं आता, एक को आप गुंडा करार देते हो, एक को शेरनी करार देते हो, कितना दोगलापन है। छोटे छोटे बच्चों में भी हम दोगलापन देख रहे हैं। एक को हमने, मैं कहूँगी देखिए मुस्कान बहन ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए मैं मुस्कान खान बहन को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि वो बुरका पहन के आई और उन्होंने अपने नारे लगाए, लेकिन उन सनातनी बच्चों ने भगवा जो पहन के आए थे जय श्री राम के नारे तो लगाए, लेकिन उन बच्चों ने एक ने भी उसके साथ कोई अभद्रता नहीं की। तो उन बच्चों का भी धन्यवाद और मुस्कान बहन का भी धन्यवाद कि पूरी दुनिया के सामने, पूरे देश के सामने ये स्पष्ट किया कि बच्चों के संस्कार कितने मजबूत थे, कि एक भी बच्चे ने, वो बच्चे रामायण को मानने वाले बच्चे थे, क्योंकि लक्ष्मण जी से जब राम जी ने पूछा कि ये पहचानते हो किसके आभूषण है, वो लक्ष्मण जी को आदर्श मानने वाले, राम जी को आदर्श मानने वाले बच्चे थे। तो मुस्कान बहन ने उनको हमारे सामने लाने का प्रयास किया कि कितने अच्छे बच्चे थे, मैं उनके सामने भी सुरक्षित थी। लोग कहते ना बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके सामने भी सुरक्षित थी, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा है रामायण को, जिसने पढ़ा वो जानता है, राम जी ने कहा ये आभूषण पहचानते हो, तो लक्ष्मण जी ने कहा था नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नूपुरे त्वि जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। ना हम जानामि केयूरे, मैं सीता माता के केयूर नहीं जानता, ना हम जानामि कुंडले, ना मैं कुंडल जानता हूं, नूपुर नूपुर को मैं जानता हूं, क्यों? नित्यम पादाभिवंदनात्, पादा भी मतलब पैरों को छूता था, पैरों का वंदन करता था, और एक दिन नहीं करता था, नित्यम नित्यम प्रतिदिन पैरों के छूने से मैं पैर छूता था। तो इसलिए हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के वो सनातनी बच्चे, इसका मतलब उस परंपरा के लोग थे, और मैं उन बच्चों को, उनके माता पिता को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने बच्चों को इतने संस्कार दिए कि एक बच्चे अपने मजहब के अनुसार जो बुरका पहन के आई उसके सामने नारे तो लगाए, लेकिन एक बच्चे ने भी उसके सामने अभद्रता नहीं की और उसका लड़की होने का सम्मान बचाए रखा, अपना सनातनी होने का गौरव बचाए रखा। क्योंकि शिवाजी की परंपरा को मानने वाले लोग अगर किसी एक बच्ची का अपमान करते तो वो गलत होता। शिवाजी के भी जीवन की घटना है, सेनापति एक मुस्लिम यवन बाला को लेकर के आए थे और उन्होंने कहा ये महाराज आपकी है, तो शिवाजी ने हाथ जोड़ के उसके सामने एक बात कही थी, और कवि मंजुल ने अपने शब्दों में भी कहा है शिवा शिविर में सेनापति सुंदर यवन बाला लाया, शिवा शिविर में सेनापति सुंदर यवन बाला लाया, बोले शिवा कुकृत्य रे यहा, उसको कह रहे कुकृत्य है, कायर धिक वह थर्राया, और उस लड़की से जो कि उनके धर्म की नहीं भी है, हमको जो कहते हैं ना कि हम भगवा गुंडे हैं फलाना, मतलब जो भी उनको भगवा गुंडे कह के उन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, तो उस महिला के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं जन्म तुमसे यदि मैं पाता, माँ कह दिया जन्म तुमसे यदि मैं पाता तो होता सुंदर छविमान, और साशुनयन सब गदगद बोले जग में शिवा चरित्र महान, साशुनयन सब गदगद बोले जग में शिवा चरित्र महान। तो उन बच्चों को, उन बच्चों के माता पिता के संस्कारों को, और साथ में विशेष धन्यवाद मुस्कान बहन का जिन्होंने स्पष्ट किया कि वो भगवाधारियों के बीच में बिल्कुल सुरक्षित थी, उन्होंने कोई असुरक्षा अनुभव नहीं की, तो उनके लिए भी धन्यवाद। और इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना किया जाए, इस मुद्दे को बच्चों की दृष्टि से देखा जाए, अगर वो शेरनी है तो वो बच्चे भी शेर हैं, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया तो ये, आप अपने मजहब का पहन के आए, वो अपने धर्म का पहन के आए, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसमें हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं था, ये एक सामान्य था, आप हिजाब पहन के आए अपने धर्म के अनुसार, बच्चे भगवा पहन के आ गए, बस।